जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। कनाडा के अंदर गर्मी आ गई, मैंने कहा गर्मियों के अंदर अपना पहला व्लॉग बनाऊं। अभी रोज़ों की वजह से कुछ आपसे ज़रा कुछ दूरी हो गई थी, खैर ईद आ गई, रोज़े गुजर गए, ईद गुजर गई, चली गई। आज का व्लॉग कुछ थोड़ा सा हटके है। आज वो तमाम लोग जो कनाडा आना चाहते हैं या जो कनाडा आने वाले हैं स्पेशली, और वो आने से पहले जैसे कि मेरे एक दोस्त हैं अजीत भाई, इंडिया में होते हैं, उन्होंने मुझे वहाँ से मैसेज किया कि यार एक वीडियो बनाओ जिसके अंदर वो भी यहाँ आने वाले हैं, जिसके अंदर आप हमें बता सको कि हमें वो कौन कौन सी मेन चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें कनाडा में आने से पहले अपने जहन में रख कर आनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं उन तमाम छोटी सी टिप्स दूंगा आपको और आपको बताऊंगा कि यार आपको ये तमाम चीज़ों को जहन में रखना चाहिए बिफोर यू अराइव टू कनाडा। मेरे साथ रहिए। भैया जी, बात ये है कि पहले यहाँ से ले लें कॉफ़ी और डाउनटाउन के अंदर फिर कहीं ना किसी ग्राउंड में बैठते हैं। आजकल ज़रा, आज वैसे भी सरकारी छुट्टी है, यहाँ पे पीर का दिन है, डाउनटाउन में किसी चंगे से पार्क के अंदर बैठ के ना वहाँ पे आपको फिर सारी बात बताता हूँ। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. ले जरा, मैं पहुंच चुका हूँ डफरन स्ट्रीट के करीब। सामने एक छोटा सा पार्क है और ये टिपिकल टोरंटो का गर्मियों का सीन है। लोग खड़े हैं, गिटार बजा रहे हैं, बेंचों पे बैठे हैं। यहाँ पे मैं भी कहीं सुकून से बैठ जाता हूँ और मैं आपको फिर उस टिप्स के बारे में बताता हूँ जो आपको कनाडा में आने से पहले ज़रूर जहन में रखनी चाहिए। जी भाई साहब, तो अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जहन में रखनी है वो यहाँ पे आपको ये जहन में रखनी है कि आप जिस भी फील्ड के प्रोफेशनल हैं, यहाँ पे आपको आगे जॉब की उतनी आसानी शुरू में नहीं होगी। अब होता क्या है कि हम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जहन में रखना है। वहाँ पर तस्वीरों में तो दिख रहा है ना कनाडा वेरी गुड, और यहाँ पर बंदे भी बोल रहे होंगे, ओके आपको बोल रहे होंगे कि यार ठीक है आ जाओ, जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है शुरू में। तो आप जिस भी फील्ड के प्रोफेशनल हैं, शुरू में आपको कंसिडरेबली लेबर जॉब्स तो आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन आप आईटी इंजीनियर हैं, आप बहुत बड़े कोई तुरम खान हैं, बहुत बड़े कोई वो तीफ मार खान हैं, तो इतनी जल्दी से आसानी से आपको, क्योंकि आपके पास ना तो कैनेडियन एक्सपीरियंस है और ना ही कैनेडियन स्टडीज़ है। तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जॉब इतनी आसानी से आपको नहीं मिलने वाली। नंबर दो, दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी, आते ही देखें आपके पास यहाँ पे आपको यूज़ टू होना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान और इंडिया के अंदर आपके पास हो सकता है चार चार गाड़ियाँ खड़ी भी हों, लेकिन यहाँ पे उतरते सार आपको खुआरी काटनी पड़ेगी थोड़ी सी बसों वगैरह के अंदर। या तो आपके पास माल पाली इतना हो कि आप हर वक्त ऊबर मंगवा के ऊबर के अंदर ही जाते आते रहे, जो कि आप नहीं कर सकते, कई लोग नहीं कर सकते, कई लोग कर सकते हैं जो कर सकते हैं, वेल एंड गुड। बसों के अंदर अदरवाइज़ आपको खुआरी काटना पड़ेगी, या आपको पैदल चल के जाके ग्रॉसरी खरीदनी, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पे कन्वर्ट कराते हैं, वो पूरा एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अंदर कभी टाइम लग जाता है। तो वो खुआरी को जहन में ज़रूर रखिएगा। आपको ग्रॉसरी, आपको कई अपने काम निपटाने होंगे, आपको या तो बसों में जाना पड़ेगा, आप जहाँ पे भी घर किराए पे लेंगे देख लीजिएगा, बसों के अंदर आपको ट्रैवल आसानी से रहे। पैदल चलने का अगर आप सोचते हैं यार हाँ ठीक है पैदल, गर्मी में तो पैदल चल के आप थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन सर्दियों के अंदर आपको फिर वो गोडे गोडे बर्फ़ होती है यहाँ पे, तो कदम रखें तो गोडा अंदर। ये पॉइंट आपको जहन में रखने के, जहाँ पे भी कहीं आपने घर किराए पर लेना है कोशिश कीजिएगा तमाम अम्यूनिटीज़ करीब हों, और बस के अंदर ट्रैवलिंग का जहन बना के आइएगा। फ़र्ज़ करें अगर आप उस हाई लेवल के ऊपर है ना कि नहीं यार चिल माहौल पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे वो शुरू के अंदर आप शायद ना कर पाएँ। अदरवाइज़ इतना छिल्लड़ ज़रूर लेके आइएगा कि यहाँ पे हर दूसरे दिन आप जितनी मर्ज़ी ऊबर करवाते फिरें आपको टेंशन नहीं है, फिर भी ये चीज़ सॉर्टेड है, पॉइंट टू बी नोटेड। तीसरी रीज़न भाईजान आपको ये जहन में रखनी है कि आप पाकिस्तान से आएँ, आप वहाँ पर डॉक्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त आप बेहतरीन किस्म के इंजीनियर हैं, आई टी प्रोफेशनल हैं या लॉयर हैं, तो आप जब वहाँ से अपनी जो भी डिग्री और जितने साल का भी तजर्बा है वो यहाँ आते सार आप उसको ना एक दफ़ा तो ज़ीरो ही समझें, आपको इतनी आसानी से उसकी जॉब नहीं मिलने लगी। आपको यहाँ आके अपनी कुछ स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, यहाँ आके अपने कुछ रिफ्रेशमेंट कोर्सेज वगैरह करने पड़ेंगे, उसके बाद इनके लेवल के बराबर आना पड़ेगा तो फिर उस तरह की जॉब अप्लाई कर सकते हैं। मुझे याद है 2019 के अंदर मैं ऊबर चलाता था और एक हमारे डाउनटाउन के अंदर ना एडलेट स्ट्रीट के करीब ही, वहाँ रात के 2 बजे ना अक्सर हम कॉफ़ी पीने के लिए रुक जाते थे, वहाँ पे ऊबर ड्राइवर वहाँ पे और भी काफ़ी सारे पाकिस्तान इंडिया के इकट्ठे हुए हुए होते थे। तो एक दफ़ा मेरा इतफाक़ हुआ, 4-5 लोगों के साथ गपशप हुई, पता लगा वो एक जनाब MCSC का नेटवर्क माइक्रोसॉफ्ट पता नहीं कौन सा इंजीनियर निकला, दूसरा जनाब SAS का कोई बहुत बड़ा वो उसके पास एक्सपीरियंस था,
तीसरा जनाब अली वेब डिज़ाइनर था बड़े क्लास के लेवल का, और उनकी बातों से पता लग रहा था, और उनको मैं जब टेक्निकल फील्ड के अंदर मेरा थोड़ा बहुत उससे छनासा ही है बातचीत हुई, वो सारे बेचारे ऊबर से ला रहे थे और वो सारे क्वालिफाइड थे, उनके अंदर सब के अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि उनको यहाँ पे आए हुए अभी एक एक साल, छः छः महीने, डेढ़ डेढ़ साल इस तरह हुआ था, और अपने आप को सारे अपग्रेड कर रहे थे और पार्ट टाइम में सारे घर का खर्चा चलाने के लिए उबर कर रहे थे। कहने का मकसद ये कि आइए सौ बिस्मिल्ला आके ये जहन में रखिए कि आपकी जो भी डिग्री है, जो भी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आपको दोबारा स्टडी करके उसको एक दफ़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, और जब अपग्रेड होगा फिर आप अच्छी से अच्छी जॉब्स यहाँ पे आपके लिए ओपन। एक और बहुत बड़ी वजह जो आपको, एक बहुत बड़ी रीज़न जो आपको जहन में रखनी है, और वो है स्नो। जब बर्फ़ पड़ती है ना तो गुड गुड बर्फ़ पड़ती है। मेरा मॉन्ट्रियल में 2019 में रहने का इत्तेफाक हुआ था, और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि रात को सोते थे और सुबह को जब उठते थे तो पता लगता था कि गाड़ी जो है ना, गाड़ी की छत बर्फ़ के अंदर, ये मॉन्ट्रियल का ईस्ट की साइड का बता रहा हूँ, टोरंटो में और GTA के इलाके में इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती जितनी खौफनाक वहाँ पड़ती है या वेस्ट में पड़ती है, लेकिन फिर भी यहाँ बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप एक विंटर पर्सन अगर हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप एक विंटर पर्सन नहीं हैं, आपको नहीं पसंद, तो ज़रा ध्यान से आइएगा। घरों के अंदर हीटिंग सिस्टम इतना प्रॉपर है कि आप अकेली एक बनियान के अंदर भी फिर सकते हैं, दैट्स नॉट अ इशू। प्रॉब्लम है कि जैसे ही आपने घर से बाहर निकलना है, बस पकड़नी है, कुछ भी करना है, आप एक दफ़ा फ्रीज़ हो जाएंगे, और इस चीज़ को आपने जहन में ज़रूर रख के आना। और ये वो सर्दी नहीं है जो आपको कैमरों के पीछे एवरीथिंग इज़ गुड नज़र आती है, ये वो सर्दी है जहाँ पे ना सब कुछ जम जाता है, और सब कुछ का मतलब सब कुछ। ये वाला रीज़न बड़ा मज़ेदार है जी। जब मैं किसी को बताता हूँ या जब मैं खुद भी वहाँ सोचता था, अरे यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, बोलो टैक्स यार कोई मसला नहीं, टैक्स का यार टैक्स देंगे ना जी, कमाएंगे तो फिर देंगे भी। अब यहाँ आके जिस वक्त जॉब करते हैं और जॉब करने के बाद जिस वक्त गवर्नमेंट टोका लगाती है ना टैक्सेस का, जो कि हमारे ऊपर खर्च भी करती है ऑफकोर्स, लेकिन जिस वक्त एक दफ़ा वो सैलरी में से आती यूँ करके काटती है ना, दिल पे छुरियाँ चल जाती हैं। तो आपने जहन में ये रखना कि वो पाकिस्तान इंडिया में तो हमारे जुगाड़ चलती है ना, यहाँ पे जुगाड़ नहीं चलती। वो टैक्स आपको ठीक ठाक अमाउंट के अंदर, जो भी उसके एक सर्टन परसेंटेज है, वो आपको देना है, लेकिन एक चीज़ की गारंटी कि इन रिटर्न गवर्नमेंट वो आपके ऊपर टैक्सेस को लगाती है, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, स्कूलिंग, काफ़ी सारी चीज़ें वो उसके ऊपर आपको रिटर्न बैक ज़रूर करती है, वो फिर दुखता नहीं है। लेकिन पॉइंट बी नोटेड, देखें एक और रीज़न जो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कैनेडा जो है ना, ये है बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, 14-15 घंटे की, डिपेंडिंग ऑन द विच एरिया आप किस एरिया से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप एवरेजली बताऊँ ना, कराची से उड़ जाएँ या मुंबई वगैरह से उड़ जाएँ, तो ये जो कि साहिली इलाके हैं जो इधर इधर के किनारे के ऊपर मौजूद हैं, आप 14-15 घंटे का सफ़र आराम से जहन में रखें। दुबई UK की तरह नहीं है, दुबई तो ये 2 घंटे में उड़े, अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है जी, मिले और बाद में 2 दिन के बाद वापस चले गए। UK वाले भी इजी हैं, 6-7 घंटे में जनाबे अली उड़े, 6-7-8 घंटे में पहुंच गए, ये 14-15-16 घंटे से ऊपर की कहानी है। एक दफ़ा इधर आए तो फिर किसी गल नाली वापस जाना है, हेलो हाय करने वैसे नहीं जाना जैसे हम सऊदी अरब और दुबई से यूँ टक टक करके छलांगे लगा के पहुँच जाते हैं। ये चीज़ भी आपको अपने जहन में रखनी है, अपनी चीज़ों को इस तरीके से प्लान करना है कि आप इतनी दूर की, फिर वो जो है ना उसको ज़रा, समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ, भूख लग गई, मैं अभी यहीं पे छोड़ता हूँ फिलहाल, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ रहिएगा, खाना खा लूँ आपको दिखाता हूँ क्या लेने जा रहा हूँ, शवारमे का दिल कर रहा है, और उसके बाद फिर यहीं पे बैठ के यहीं से इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। जी तो मैं भी पहुंचा हूँ क्वीन और वेस्ट लॉज एवेन्यू के ऊपर, अली बाबा शवारमा मेरे पीछे है, जरा कुछ यहाँ से खाने के लिए ले लूँ, तो फिर दोबारा उसी जगह पे बैठ के दोबारा अगला पॉइंट वहीं से वहीं शुरू करते हैं। चिकन रैप मैंने ऑर्डर कर दिया जो कि अभी तैयार हो रहा है, जैसे ही तैयार होता है उसको मैं लेके फिर निकलता हूँ। वहीं से शुरू करते हैं।
अगर आप कनाडा आ रहे हैं और आपको एक चीज को, क्या बात कर रहा था भूल गया, हाँ अगर आप एक सोशल पर्सन है और अगर आपको मिलना जुलना, जैसे हमारे तो ना हम पाकिस्तान जाते थे, फैसला, मैं फैसला बात कर रहने वाला हूँ, डी ग्राउंड में जाके बैठ गए, रात के बैठे हुए दोस्तों के साथ ताश खेल रहे हैं, खाने खा रहे हैं, ओए आ जाओ उत्थे चलिए, पान खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, सोशलाइजिंग वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो वो अगर आप उस तरह के बंदे हैं, तो अगर आप या खातून हैं अकेले आ रहे हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं, शुरू में आके यहाँ पे आपको बहुत तंगी होने वाली है, आपके रिश्तेदार भी जो है ना वो भी आपसे या तो मिलेंगे ही नहीं और अगर मिलेंगे भी तो बस थोड़ा बहुत मिलकर ना वो साइडों पे अपनी अपनी बिजी लाइफ है ना, बिजी लाइफ में मसरूफ हो जाएंगे, नोबडी हैज़ टाइम हियर फॉर यू। आपको अपनी दौड़ खुद लगानी है। तो अगर आप एक सोशलाइज्ड किस्म के पर्सन है, जहन में रखिए कि यहाँ पे आके आपकी लाइफ बड़ी खुश्क गुजरने वाली है, यहाँ पे वो कज़न्स और वो बहन भाई भी हों तो वो चीज़ नहीं होती, बिकॉज लाइफ इज़ सो बिजी। कीप इन द माइंड, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और स्पेशली ख़वातीन के लिए, नो रामू काका, नो मासी फातमा। यहाँ पे आपको घर पे जो भी काम करना है, आपको बर्तन धोने से लेके कपड़े धोने तक और बच्चों की तैयारी से लेके घर की सफाई झाड़ू पोछा करने तक सब का सब आपको खुद करना है, ठीक है। एक्सपेंसिव इतने होते हैं आप अफोर्ड नहीं कर पाते यहाँ पे। तो अगर आपके घर में, जैसे हमारे घर में भी वहाँ मासी आ रही है, ये जी बर्तन धोने वाली है, अब ये कौन है, ये जी सफाई वाली है, ये मासी फातमा आ गई, मासी फातमा ने ये कर दिया, ये सामान बाहर से कोई लेके, अगर ड्राइवर आ रहा है, ड्राइवर जरा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप एक दफ़ा तो शुरू में लगे जाएंगे। तो अगर आप इन चीज़ों के आदी नहीं हैं, आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ना आने से एक महीना पहले अपनी ज़रा नेट प्रैक्टिस उधर ही घर में शुरू कर लें, सारा कुछ खुद ही करना शुरू कर दें, वरना यहाँ आके तले जाएंगे। और लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इसमें आपको कहूँगा कि यहाँ पे आपको ना एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए, आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं, आपको सब कुछ एक दफ़ा स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। और जब स्क्रैच से किसी नए मुल्क और नए कॉन्टिनेंट में जाके आपको स्टार्टिंग से बिस्मिल्लाह करनी पड़े ना, बिलीव करें ये थोड़ा सा टफ हो जाता है कई लोगों के लिए। वहाँ पे लोग होते हैं आपकी हेल्प आउट कर देते हैं, यहाँ जो आपके अपने होते हैं वो भी नहीं करते कई हालात में नहीं करते। तो बहरहाल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ने इस चीज़ को जहन में रखना है कि यार मैंने यहाँ पे एक नई लाइफ को स्क्रैच से स्टार्ट करना है, और यहाँ की रेंटिंग पाकिस्तान इंडिया की रेंटिंग की नस्बत कई गुना मल्टीप्लाई करके ज़्यादा एक्सपेंसिव है। शुरू में पैसे जो लाएंगे वो आपके बड़ा माइटी चंक जो है ना वो आपका रेंटिंग आ जाएगा आपके, उसका ये वाला पॉइंट भी आपने जहन में रखना है। इन सब बातों के बावजूद अगर आप मुझसे अगर सिंपली पूछें कि भाई तो फिर क्या कनाडा ना है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लाजमी कनाडा आए, कनाडा आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए, लेकिन आने से पहले इन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए ताकि आपको चीज़ों वेरी बहुत ज़्यादा क्लियर हो, और जब आप एक चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशन में होगी यहाँ आके फिर उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपका इस हवाले से कोई यहाँ पे आना चाह रहा है या आने वाला है, किसी हवाले से कोई सवाल है, कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं आपके उस सवाल को पूरे व्लॉग के अंदर, ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं उनको अगले के व्लॉग के अंदर पूरा टर्न करके जो एज़ मेरी बेहतरीन मालूमात है मैं उसको आपको प्रोवाइड करूँगा, और उसके बाद इसको हम फिर आगे वक्तन देखते रहेंगे। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे बहुत जल्द एक दूसरे व्लॉग में मुलाकात होगी, इस व्लॉग के आने में बहुत देर होगी, उसकी माजरत, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।